उधर रिम्स में भर्ती हिंदपीढ़ी के एक ही परिवार के चार लोगों को बुधवार देर रात छुट्टी दे दी गई। इनमें एक बच्चा भी शामिल है। मंगलवार को इन सभी की दूसरी जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। हालांकि कोरोना को मात देकर अस्पताल से बाहर आए ये लोग मायूस हैं, क्योंकि परिवार के दो लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई। तो भले ही राज्य में कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही हो, मगर उन सब के बीच कई ऐसे पॉजिटिव मरीज हैं जिनकी रिपोर्ट निगेटिव आ रही है। अब तक करीब 9 लोग कोरोना के संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। कोरोना से ठीक हुए लोगों से ही कोरोना से लड़ने में मदद मिलेगी। एम्स के नेतृत्व में रिम्स में इसकी तैयारी की जा रही है और जल्द ही एंटीडोन बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कोरोना से ठीक हुए मरीजों से ब्लड डोनेट करने का आग्रह किया जाएगा। डोनेट किए गए ब्लड से प्लाज्मा निकालकर उनसे एंटीडोन तैयार किया जाएगा। ये एंटीडोन कोरोना के उन संक्रमित गंभीर मरीजों को दिया जाएगा जो आईसीयू आइसोलेशन वार्ड में भर्ती होंगे। एंटीडोट चढ़ाने के 20 से 36 घंटे के बाद मरीज की तबीयत में सुधार होने लगेगा और वो जल्द ठीक हो जाएंगे। डरना नहीं, लड़ना है। और हॉस्पिटल के तमाम मैनेजमेंट ने सहयोग किया, डॉक्टर, नर्स, स्वीपर, सब लोगों ने हौसला बढ़ाया, सब लोगों ने साथ दिया। तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम लोगों का। अच्छी है, खाना पीना, रहना सहना, उड़ना बिछाना सब अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं हम लोग को हुआ। जब तक थे सुकून से थे, इत्मीनान से थे। हर आदमी यहाँ पर आ करके इत्मीनान से रह सकता, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा रहा सवाल यह कि आदमी हड़क रहा कि हमको कोरोना हो गया, कोरोना कुछ नहीं है, अब ठीक हो जाइए, लेकिन आपका दिल में हिम्मत होनी चाहिए। और ज्यादा जानकारी ले हमारे साथ सहयोगी सत्यव्रत किरण फोन लाइन पर मौजूद है। सत्यव्रत, एक राहत की खबर ये है कि जो कोरोना से ठीक हुए मरीज है उनके प्लाज्मा से एंटीडोट तैयार किया जाएगा। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने, और इसको लेकर लगातार भारत सरकार के द्वारा जो है वो अनुसंधान चल रहा है, जो प्रक्रियाएं हैं, ट्रायल है, वो चल रही है। और रिम्स निदेशक ने भी कल बताया कि जिस तरह से अगर अपने राज्य की बात करें तो लगातार जो कोरोना के वैसे पॉजिटिव मरीज हैं जिनका रिपोर्ट निगेटिव आ रहा है, यानी कि जो कोरोना का संक्रमण है वो खत्म होता जा रहा है, तो वैसे में अब जो चिकित्सक हैं, जो अनुसंधानकर्ता हैं, अब वो उन्होंने ये तैयारी की है कि वैसे लोगों पर लगातार जो ठीक होकर अपने घर जा रहे हैं, जिनका पहले पॉजिटिव पाया गया था और उसके बाद इलाज के दौरान जो जांच में जो होती है उसके बाद जो उनका निगेटिव पाया जा रहा है, वैसे सभी लोगों पर चिकित्सकों की विशेष नजर रहेगी। क्योंकि वैसे लोग जो कि पहले संक्रमित हो चुके थे और उसके बाद उस संक्रमण से लड़कर ठीक हो चुके हैं, वैसे लोगों का जो ब्लड है वो काफी महत्वपूर्ण हो सकता है वैसे लोगों के लिए जो कि संक्रमण से नहीं लड़ पा रहे हैं, नहीं जीत पा रहे हैं। तो वैसे में डॉक्टरों ने कहा कि कोई एक व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो कि कोरोना का पॉजिटिव रहा हो और कोरोना की इस लड़ाई में उसने जीत हासिल की हो, उसके बाद उसका रिपोर्ट निगेटिव आया हो, यानी कि वह कोरोना से ठीक हो चुका हो, वैसे किसी एक व्यक्ति के ब्लड से चार कोरोना के जो पॉजिटिव व्यक्ति हैं उन्हें बचाया जाता है। जो उस व्यक्ति का जो ब्लड में जो प्लाज्मा होता है, उस प्लाज्मा से जो है वो एंटीडॉट बनाया जाएगा, ताकि वो प्लाज्मा वैसे लोगों पर चढ़ाया जा सके जो कि कोरोना के लड़ाई से जूझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार जो अनुसंधान चल रहे हैं, भारत सरकार जो है वो लगातार अनुसंधान कर रही है, चिकित्सकों की एक लंबी चौड़ी पैनल है जो लगातार इस बात का कोशिश कर रही है खोजने की कि किस तरह से जो मरीज ठीक होके जा रहे हैं उनके द्वारा ही, उनके ब्लड के प्लाज्मा के द्वारा ही उसे दवाई तैयार किया जाए, ताकि वो जो ब्लड है वो वैसे व्यक्ति को चढ़ाया जाए जो संक्रमित है और जो उसके अंदर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाया जाए और इस बीमारी से निजात पाया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सत्यव्रत तमाम जानकारियों के लिए। तो अब राहत की खबर यह है कि जल्द ही एंटीडोन बनाने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। रिम्स और एम्स के सहयोग से इस प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। तो संक्रमण से ठीक हुए मरीजों के प्लाज्मा से एंटीडोट बनाया जाएगा। पहले कोरोना के गंभीर संक्रमित मरीजों के प्लाज्मा को लिया जाएगा और उससे उन गंभीर संक्रमित मरीजों का इलाज किया जाएगा जो कोरोना वायरस से संक्रमित है। तो
मरीज में तेजी से बनने लगता है वायरस खत्म करने का प्लाज्मा, और इसी प्लाज्मा से एंटीडोट बनाया जाएगा। पहले कोरोना के गंभीर संक्रमित मरीजों को दिया जाएगा एंटीडोट। एम्स के नेतृत्व में रिम्स इसकी तैयारी कर रहा है। जल्द ही एंटीडोट बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो जो संक्रमित हो चुके हैं और जो ठीक हो चुके हैं कोरोना वायरस से, उनके ब्लड में तेजी से रिकवरी के प्रोटीन बनने लगते हैं और उनके ब्लड से ही एंटीडोट तैयार किया जाएगा। सीधा रुख करेंगे रिम्स परिसर का। सहयोगी विनीत उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। विनीत, राहत की खबर ये है कि जो प्लाज्मा है, जो संक्रमित मरीज जो ब्लड डोनेट करेंगे उनके प्लाज्मा से अब तैयारी की जा रही है एंटीडोट बनाने की। इस प्रक्रिया को लेकर क्या कुछ बातचीत हुई है, क्योंकि रिम्स और एम्स के मिलीभगत से ये प्रक्रिया पूरी की जाएगी? बिल्कुल, लगातार जब से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है और इस बीमारी की चपेट में लोग आते जा रहे हैं, तब से ही इस चीज़ पर डॉक्टर्स की एक विशेष टीम रिसर्च करने में लगी हुई है कि आखिर कोरोना की लड़ाई में जंग कैसे जीती जाए, कोरोना का काट क्या होगा, क्योंकि अलग अलग सिम्टम्स दिख रहे हैं और इन सारी चीज़ों के बीच इलाज कैसे हो पाए जो भी कोरोना के पॉजिटिव मरीज हैं। इस पर एक गहन अध्ययन और काफ़ी रिसर्च के बाद अब तक जो बातें सामने आई है उसके मुताबिक जिन मरीजों ने रिकवरी कर ली है उनके ब्लड सैंपल्स लेकर और उनके प्लाज्मा को जो दूसरे मरीज हैं जो कि कोरोना से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं उन्हें वो ब्लड चढ़ाकर या फिर उन्हें वो प्लाज्मा चढ़ाकर उनके साथ उन्हें ठीक करने की कोशिश की जाएगी। और इन सारी चीज़ों के बीच आप देखें कि कल एक राहत भरी खबर रांची में जरूर आई कि 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज जो कि कोरोना से जूझ रहे थे उन्होंने कोरोना पर जीत पा ली है और रांची के रिम्स से कल उन्हें वापस घर भेज दिया गया है। हालांकि यह सख्त हिदायत उन्हें दी गई है और उनसे यह अपील भी की गई है कि आप घरों में ही रहें, जब तक लॉकडाउन का पीरियड है तब तक आप घरों से बाहर ना निकले। इसका मतलब यह साफ है कि जिन लोगों ने भी रिकवरी कर ली है, जो लोग भी रिकवरी करने के बाद घरों तक वापस जा रहे हैं उन्हें यह हिदायत दी जा रही है कि वो क्वारंटाइन में ही रहें, सेल्फ क्वारंटाइन में रहें, ताकि इन फ्यूचर अगर इस तरह का कोई सिम्टम्स आता है तो वो बाकी लोगों में कोरोना का संक्रमण ना फैले। और इन सारी चीज़ों के बीच आप देखें कि 4 पॉजिटिव केसेस भी आए, 3 हिंदपीढ़ी के इलाके से आए, हिंदपीढ़ी के अलग अलग इलाकों से 3 लोगों की पुष्टि हुई कि उनमें कोरोना के लक्षण पाए जा रहे हैं, उनका टेस्ट पॉजिटिव आया। और एक व्यक्ति जो कि गढ़वा का रहने वाला था और हिल व्यू में उसने अपना इलाज कराया था, तो उस व्यक्ति की ट्रैवल हिस्ट्री ये है कि वो हिंदपीढ़ी भी गया था और कॉन्टैक्ट हिस्ट्री ये है उस व्यक्ति की कि उसने हिल व्यू में अपना इलाज कराया था जहाँ से एक रांची के एक पूर्व अधिकारी के परिजन जो कि कोरोना से पॉजिटिव थे वहाँ वो भर्ती थे। तो दोनों अब एक्सपेक्ट सामने आ रहे हैं, कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। इस बीच राहत भरी खबर ये है कि कोरोना पे कुछ लोग कोरोना से जंग लड़कर जीत भी हासिल कर रहे हैं। एक दो जो टेस्ट हुए थे जिन संक्रमित व्यक्तियों के, उनके रिपोर्ट्स अब नेगेटिव भी आ रहे हैं, तो नेगेटिव होना ये पॉजिटिव साइन झारखंड के लिए बनता जा रहा है। बिल्कुल, झारखंड के 9 जिलों की अगर बात करें तो कोरोना की चपेट में है, अब गढ़वा भी इससे अछूता नहीं रहा है। लेकिन राहत की खबर ये है कि इन लोगों में 8 लोगों की रिकवरी हो चुकी है। तो जो संक्रमित हैं वो अगर सहयोग करे प्रशासन का, डॉक्टर्स का, तो इससे जल्दी निजात मिल सकता है। और सोशल डिस्टेंसिंग बेहद जरूरी है। विनीत, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि प्रशासन का सहयोग करना होगा, जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं उनका सहयोग करना होगा, तभी हम कोरोना पे जो इतनी बड़ी लड़ाई पूरा विश्व लड़ रहा है कोरोना से
उस पे हम जीत हासिल कर सकते हैं और डट कर अगर हम मुकाबला करें, क्योंकि झारखंड एक सीमित संसाधन और सीमित साधनों के साथ कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। हमारे पास डॉक्टर्स काफ़ी लिमिटेड हैं, हमारे पास मेडिकल इक्विपमेंट्स काफ़ी लिमिटेड हैं और मैन पावर भी काफ़ी लिमिटेड है। तो इसमें अब एक महत्वपूर्ण भूमिका आम लोगों की हो जाती है और जो लोग घरों में हैं या फिर जो लोग भी कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं उनकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण, एक एक व्यक्ति को अब कोरोना वॉरियर के रूप में सामने आना होगा, हर किसी को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, तभी हम कोरोना पे पूरी तरह से जीत हासिल कर सकते हैं। डट कर अगर हम मुकाबला करें, कोरोना के लिए जो एडवाइजरी जारी की गई है, जो भी गाइडलाइंस WHO के द्वारा या फिर हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा जारी की जा रही हैं समय समय पर, उनका पालन करें, प्रशासन का सहयोग करें, तो काफ़ी हद तक हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं। और कोरोना का संक्रमण झारखंड में 9 जिलों में फैल चुका है, तो बाकी जिलों में यह संक्रमण ना फैले, पूरा झारखंड इसकी चपेट में ना आए, इसकी कोशिश अब तेज की जानी चाहिए। और इसके लिए लोगों को भी अब कम से कम जरूर जागरूक होकर और अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन करने की, लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करने की जरूरत है। राजदा, बहुत बहुत शुक्रिया विनीत आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो सोशल डिस्टेंसिंग बेहद जरूरी है, लॉकडाउन का पालन किया जाए जिससे कि इस संक्रमण को दूसरों तक पहुंचाने नहीं पहुंच सके और लोग इससे सुरक्षित रह सके।